हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कभी कभी सिंपल खाना भी 5 स्टार से कम नहीं लगता है। मैंने टाइटल में जरूर लिखा है कि 5 स्टार का खाना घर पर बनाइए, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वेजिटेबल्स से मिलकर इतनी अच्छी जो है तहरी आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। आप इस तरह की तहरी जो है टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर घर पर भी कोई मेहमान आ जाए तो इस तरह की तहरी को आप उन तक भी पहुंचा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये तहरी होती है खाने में, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने कई तरह की सब्जियाँ ली हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, और देखिए यहाँ पर मैं अब काट रही हूँ लोबिया। अगर बीन्स है आपके पास, मेरे पास बीन्स नहीं था तो मैंने लोबिया का यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब इन सब्जियों को सबको काट अच्छे से मैंने धोया है, फिर मैंने काटा है। अब देखिए, मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा डाला तड़के के लिए। तो जैसे ही जीरा जो है थोड़ा फ्राई हो जाता है तो इसमें मैंने अदरक को स्लाइसेस में काट रखा था उसको ऐड कर देती हूँ। अदरक और जीरे को थोड़ी देर करछी की सहायता से मैं मतलब कि चला लूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं गाजर डाल देती हूँ और इसको थोड़ी देर जो है फ्राई कर लूँगी। ये वाली तहरी बनने में सिर्फ से कम 5 से 7 मिनट लगता है, बस तैयारी में थोड़ा 2-3 मिनट लग जाता है। अब इसमें मैंने लोबिया भी ऐड कर दिया है और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस सब्जियों को थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है, यही टाइम लगता है और इससे ज़्यादा इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। ये तहरी जो है खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब इस जैसे ही दोनों सब्जियाँ जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ और इनके साथ इसको भी फ्राई कर देती हूँ। मैं अलग से कढ़ाई में भी कर सकती थी, लेकिन जब हमें कुकर में ही तहरी बनानी है तो फिर अलग से कढ़ाई में क्यों बनाना। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये वाली तहरी एक बार ट्राई करके दीजिएगा। और इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा कुछ भी मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है क्योंकि इससे तहरी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, और नमक भी अपने स्वाद अनुसार मैंने यहाँ ऐड किया है। आप इसमें कई और तरह की भी सब्जियां जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जी जो है थोड़ा मैं ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये तभी खाने में टेस्टी होता है। अब देखिए, सब्जियों को मैंने एक तरफ कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1/2 कप चावल लिया था, इसको अच्छे से धोकर मतलब 3-4 बार धोकर मैंने छान लिया था। और इसको एक तरफ इसलिए मैंने किया है क्योंकि सारी सब्जियों के साथ ये फ्राई नहीं हो सकता था अच्छे से। अब इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। जैसे ये फ्राई हो जाता है, गैस का फ्लेम जो है मैंने कम कर दिया है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब देखिए, अच्छे से चावल जब और सब्जियां जो है फ्राई हो जाती है तो इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी से क्या होता है कि इस तहरी का जो स्वाद है वो बैलेंस होता है, ये मीठा नहीं बनाती है तहरी को। अब थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से कॉर्न लिए थे जो मेरे पास पहले से ही बॉइल्ड थे, जो पैकेट आता है, और इसमें थोड़ा सा मटर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब सारी सब्जियों और चावल को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसको फ्राई करते हुए करीबन मैंने 3 मिनट तक सारी सब्जियों और चावल को फ्राई किया है। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये फ्रेंड्स। लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जो मेरा वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं। तो अब देखिए, बहुत अच्छे से अब जब सब्जियां और चावल जब अच्छे से जो है फ्राई हो जाती है
तो इसमें मैं ऐड करूंगी अब पानी। ये पानी जो है बहुत ध्यान से आपको डालना है। देखिए इस ग्लास का मैंने आधा जो है चावल लिया था, मतलब आधा ग्लास चावल, इसलिए इसका डेढ़ गुना पानी। तो आधा ग्लास पहले लिया और उसके बाद आधे ग्लास से थोड़ा सा कम। तो जब भी हम किसी ग्लास या कटोरी से चावल लेते हैं उसका डेढ़ गुना पानी कुकर में हम ले लेते हैं। अब देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया पानी के साथ और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और ढक्कन बंद करने के बाद इसमें सिर्फ एक सीटी लगानी है। एक सीटी से जो है तहरी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। इधर मैं देखिए रायता बना ले रही हूँ, बहुत ही सिंपल रायता है। जब तक सीटी हो रही है तब तक मैं रायता बना तैयारी कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कितने कम टाइम में एक बढ़िया सी तहरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। आज मैं थोड़ा अलग से बनाऊंगी। और खीरा जो है मैंने पहले ही कद्दूकस करके रखा था, आप अपने हिसाब से डालिएगा खीरा। अब खीरे को डाला और यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था जो इस दही में ऐड करती हूँ। थोड़े से हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ा सा नमक। जो ये वाला रायता है इसे हम बिरयानी के साथ हमेशा खाते हैं। सिर्फ इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है क्योंकि आज सैटरडे था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वेज बनाया है इसको। लेकिन फ्रेंड्स आप अगर प्याज मतलब खाना पसंद करते हैं तो जरूर डालिएगा। बहुत ही अच्छा ये रायता लगता है इस तहरी के साथ, और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए स्टीम, एक स्टीम भी लग गई है और पूरी स्टीम भी निकल गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए क्या मजेदार जो है तहरी बनकर तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स एकदम खिली खिली सी तहरी बनकर तैयार हुई है। और एक एक दाना और एक एक सब्जी जो है आप मतलब बता नहीं सकते हैं कि इतनी अच्छी तहरी तैयार हुई है जो खाने में बहुत बहुत टेस्टी है। ये देखिए फ्रेंड्स एक सीटी से एकदम बढ़िया बन गई है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ, एकदम गर्मा गर्म तहरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। छुट्टी वाले दिन भी आप इस तरह की तहरी बनाकर सबको खिला सकते हैं, सब लोग बहुत खुश होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर रायता रख दिया है जो इस तहरी की जान है। इससे आप एक बार ट्राई कीजिए, आप दूसरा जो है कोई भी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सलाद ले लिया है और इसको भी इसमें मैं रख लेती हूँ। जो नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पापड़ भी तलकर यहाँ पे रखा है। ये पापड़ भी आप इस तहरी के साथ खाइए तो बहुत मजेदार लगेगी। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं एक कोई नई रेसिपी लेकर आपसे फिर से मिलने के लिए आऊंगी। तब तक आप सभी खुश रहिए और एकदम मस्त रहिए।